This is the grand finale of Lifebuoy DID Little Master, powered by Cadbury Gin, live from Pune. साइज में छोटे लेकिन अपने डांस से बड़े बड़ों की छुट्टी कर देने वाले लिटिल मास्टर्स आए और शुरू हो गई बच्चा गिरी। 169 देशों में और इंडिया के कोने कोने में 16 हफ्तों तक अपने डांस का रुतबा दिखाया और अब आखिरी टक्कर में इंडिया ने चुने चार नाम। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, हर तरफ बस इन्हीं का चर्चा है। अनुष्का, सदवेन, हार्दिक, टेरिया, तकदीर किसकी उम्मीदों को पहनाएगी ताज? कौन है जो KB3 कप जीत सबके दिलों पर करेगा राज? पता चलेगा आज लाइव फ्रॉम पुणे। सो इंडिया, लेट्स स्टार्ट डांसिंग। कसा काय पुणे, ये है मेरा फेयरलैंड, मतलब सपनों की नगरी। लोग कहते हैं जहां फेयरलैंड होता है वहां बच्चे जरूर होते हैं। मैं कहता हूं गलत, जहां बच्चे होते हैं वहां फेयरलैंड अपने आप बन जाता है। यहां जादू के लिए वो सब वो हुलू हुलू गला गला गुलू 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 ये सब करना नहीं पड़ता है। बच्चों में वो जादू है जिसे देखकर लोग खुद मोहित हो जाते हैं। वैसे यहां बहुत सी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे पेश करूंगा, लेकिन इस वक्त आपको दिखाएंगे वो मासूम चेहरे जिन्होंने सीजन 3 को एक परी का राज्य बना दिया है, मेरा राज्य किंगडम। सो वेलकम टू माय किंगडम।
इसे कहते हैं जादू। और क्यों नहीं, जिनके पास ऐसे स्कीपर्स हो तो जादू तो होगा ही ना, क्या बोलते हैं आप, बनता है ना। वो मेरे साथ बोलिए, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, अभी मैं बुलाने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठिए, वो है अहमद, गीता और मुदस्सर के लिए। यस, तो मिस्टर डीएम जी दादा एंड डीपी गीता, दुबली पतली गीता और ये मेरा मसूर दाल। अब इसे देखने लगता है, पहले तो कच्चा था, अभी पका हुआ दाल लगता है, देखिए। ठीक है, पूरा साल श्रावण रहेगा मेरा। जी दादा बोलिए, क्या पेश करेंगे आप? कुछ नहीं, लगता है बच्चे आज जादू करने वाले हैं आप सब पे, हम पे तो इन्होंने जादू किया है दादा, आपके बच्चों ने, तो हवा मारने के लिए थोड़ा। ओ ओ ओ ओ ओ, दिस वाज मैजिकल, वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट। तो चलिए मैं पेश करता हूं एक एक करके। सबसे पहला जादूगर जिसे मैं ग्रैंड सैल्यूट देते देते थक गया, सद्वीन शेट्टी। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं पेश करूंगा टेरिया मगर। खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं।
आप पेश है और एक जादूगर, हार्दिक स्वागत है हमारे छोटे से हीरो। जादूगरनी दार्जिलिंग की अनुष्का छत्री। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसे, ये तेरी वो हवाएं हैं। ये वो दांत है, हवा निकलती रहती है। अभी तक सुन नहीं पाया आई लव यू, सो आपने देख लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, presenting you the most talented, glorious four journalists. Ek zor se taali ho jaye. Ye to thi khushi ki khabar, lekin aaj ka din khushi ka nahi hai, ek sad news bhi hai. The bad news is, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि आज जय इस शो में नहीं रहेगा। ठहरो, ये शो मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू सो मच मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर, आपके लिए स्पेशल सीट वहां पर है, तो आप वहां पर पधारे। एंड लिटिल मास्टर्स, वेल आपकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन आप भी जरा आराम कीजिए और हम शो को आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? चलो अब कम ऑन गाइस, ज्यादा ताला हो जाए। अच्छा, एक सेकंड, ये इंडोर स्टेडियम में कौन ऐसे है? अच्छा, अरे ये इंडोर स्टेडियम में आंधी कहाँ से आ गई? हेलो, बहुत हो गई बूंदा बांदी, अब के बार ग्लैमर की आंधी। ये काय के बॉडीगार्ड है, हट। अरे एक सेकंड, कट कट, क्या है, क्या खुश हो रहे हो? हे भगवान, ये फिर से आ गई, अब क्या बन के आई हो? वैसे दिख रही हो तुम वर्ल्ड कप का फुटबॉल, लेकिन फिर भी क्या बन के आई हो? क्या बन के आई हो? हाँ, ओ जय, सुपरस्टार्स लोगों को कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शो को जरूरत ही एक ग्लैमर की। मैं आ गई बेबी, हाय हाय, दाढ़ी आज भी नहीं कटवाई। एक बात बताओ कि ये तुम्हारे साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों घूम रहे हैं? ओहो, तुम बिना, एक तो छोटे लोग को एंकर बना देते हैं, उनको पता ही नहीं कि बॉडीगार्ड्स क्या होते हैं। तो चलो फिर अब आगे बढ़े। चलो चलो, मैं तो नहीं, इधर नहीं, मैं अपने शो को आगे बढ़ाता हूँ। तो इंडिया,
अब शुरू होता है इस साल के सबसे स्पेक्टैकुलर ग्रैंड फिनाले इवेंट का एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट। आज दोपहर को 2 बजे वोटिंग लाइंस बंद हो चुकी थी, द वर्ल्ड हैज वोटेड, पर अभी भी हमारे चारों फाइनलिस्ट में रेस लगी हुई है कि कौन आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन करेगा। और इस श्रेणी में सबसे पहले परफॉर्म करेंगे अब से थोड़ी देर में वो जिनके सामने सर झुकाते हैं डांस के किंग एंड क्वीन। आई एम टॉकिंग अबाउट सदुवन। पर उससे पहले हमें सुपरस्टार डीवा फुटबॉल भारती बताएंगी कि सदविन के फैन जोन में एक्चुअली चल रहा क्या है। ओवर टू यू भारती। अरे सदविन के पापा आप भी ना सबके सामने हाथ पकड़ लेते हो आप भी। खैर जय, इधर गरम गरम इडली डोसे का माहौल बना हुआ है, मेरा तो इतनी गर्मी के मारे सांभर निकल रहा है ये देखिए, लेकिन पूरा लुंगो लुंगी माहौल हुआ हुआ है। ध्यान से मेरा कोई भाई जोर से उछलेगा नहीं, लुंगी उतर सकती है। हम नहीं चाहते कि 20-25 की टीआरपी आए, हम 10-12 की टीआरपी से गुजारा कर लेंगे। कैसे अच्छा लग रहा है? एक मिनट यार, ये पॉल उधर बैठा है तो इधर कौन है? सदविन के पापा कैसे आपको, खड़े हो जाइए, कितना शर्मा रहे हैं आप, तो नई बहू लग रहे एकदम। कैसा महसूस हो रहा है कि आपका बेटा ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहा है, फाइनलिस्ट है, तो क्या लग रहा है आपको, डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, एक्चुअली मेरे लिए बहुत प्राउड हो रहा है। एक्चुअली वो फाइनलिस्ट है, अभी ये परफॉर्म कर रहा है, एक्चुअली सारे इंडिया उसको बहुत फैन मिल रहा है। एक्चुअली वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है जय। हाँ, ओवर टू जय। ऑलराइट, याद है आपको वो दुबला पतला लड़का जो बेंगलुरु से आया था ऑडिशन देने में? वो आज भी दुबला पतला ही है, पर आज उसके डांस को देखकर प्रभु देवा भी सोचते होंगे यार मेरा सीक्वल भी आ गया, कैसा रहा ये सफर, ये देखिए। अन्ना सदविन, अन्ना यू आर लाइक अ लाइफ बॉम्ब, लाइफ वायर, सुरसुरी, पटाखा, आरडीएक्स, यू आर समबडी टू वॉच। इट वॉज ब्यूटिफुल सदविन, तुम जीत गए हो यार, मेरे नजरों में तो तुम जीत गए। किंग ऑफ द स्टेज सदविन, मैं आपकी फैन थी, मैं आपकी फैन हूँ और मैं आपकी फैन हमेशा रहूंगी। आप मेरी गुरु बन जाओ। I definitely want to teach you whatever I have. मेरी झोली में जो भी है मैं आपको दे दूंगी। आपके नाम में विन है, मुझे यकीन है DID Little Masters Season 3 आप विन करोगे।
बताई थी, लेकिन एट प्रेजेंट सदविन की फैमिली क्या सोचती है इनके बारे में और इनके परफॉर्मेंस के बारे में, ये भी जान लेते हैं। सो ओवर टू यू भारती। सदविन की मम्मी एकदम इंग्लिश विंग्लिश की श्रीदेवी लग रही है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मम्मी जी, आपका बेटा देश के सबसे बड़े डांस शो के ग्रैंड फिनाले का हिस्सा है, आपको कितना गर्व हो रहा है, एक माँ को कितना गर्व हो रहा है? मुझे सदविन का माँ कहलाने को बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े मंच पर मेरे बेटा ने डांस किया है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सदविन को मैंने जन्म दिया है, पर सदविन ने मुझे डीआरडी के मंच पर मदर्स डे के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके मुझे लगा कि उसने ही मुझे जन्म दिया है, मुझे बहुत खुशी हो गई। क्या बात है माँ जी, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआरडी ग्रैंड फिनाले में वो ही विनर हो जाएगा।
चलिए अब मैं मास्टर गीता से कुछ पूछना चाहूंगा। मास्टर गीता, सदविन की मम्मी को तो लगता है कि आज सदविन ही जीतेगा ये कॉम्पिटिशन, आपके दिल में क्या चल रहा है? मेरे लिए थोड़ी दुविधा की सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज एक गुरु के लिए उनका शिष्य जीते, इससे बड़ा और कोई क्या बात, यू नो, फीलिंग नहीं हो सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली प्रे, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे एक ही हैं, बट दैट लिटिल एज सदविन हैज अबव एवरीवन के ये मेरा शिष्य है। सो ऑल द बेस्ट बच्चे, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, थैंक यू सो मच मास्टर गीता। चलिए सदविन, आपसे बात करता हूँ। वैसे तो आप बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि कुछ ज्यादा बातें करें। ये आखिरी बार आपके पास शायद ये माइक मिलेगा और आखिरी बार आप इस माइक को मसाज दे पाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले मैं मेरे पेरेंट्स और जो आए मेरे को सपोर्ट करने के लिए उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब पहले रिहर्सल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता था, जब मैं ग्रुप एड कर रहा था हमारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ, अभी मेरे पेरेंट्स और मेरी सपोर्ट के साथ मैं आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया हूँ, तो मैं पहले उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। क्या बात है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी वोटिंग की गिनती चालू है और वोटिंग की गिनती के अनुसार पूरे दुनिया ने आपको एट प्रेजेंट कितने वोट दिए हैं वो आपको मैं आप बताने वाला हूं। एट प्रेजेंट जितनी भी गिनती हो चुकी है उसके हिसाब से आपको मिले हैं 17,69,676 votes. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट सदविन। अब इतने वोट या फिर आगे कितने वोट्स आपको मिलते हैं ये तो आपको एंड में ही पता चलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीजन का विनर आप ही बने। आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए सदविन शेट्टी के लिए। थैंक यू। भारती, गैस हो गई? फिर क्या प्रॉब्लम, क्या हुई है तुम्हें? अरे बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है मेरी। मतलब क्या प्रॉब्लम, क्या हुई? रहन दो। हाँ? अरे तमीज ही नहीं किसी को पीछे बात करने की। तुम्हें पता है मैं सुबह जो 150 इडली खाई थी ना, हा? उसके बाद पूरे 5 मिनट हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। प्लीज, वो मेरा होटल है ना 17 स्टार। 17 स्टार, ये कौन सा होटल है भाई? क्यों नहीं होता? हाँ? मेरे ढाबे का नाम है 17 स्टार, वहां से कुछ मंगवा दो, बड़ी भूख लगी है जय। प्लीज जय, काय का ग्रैंड फिनाले अगर मुझे कुछ खिला ही नहीं सकते। लाओ भाई कुछ खाने के लिए, लालो ने तो ये मुझे ही खा लेगी यार। अरे इतना बड़ा लंच बॉक्स, हाँ ये देखो। तमीज नहीं है इनको। क्यों? अरे मैंने खाना मंगवाया था। हाँ? ये मेरे स्नैक्स का बॉक्स है। तुम्हें पता है मैं डब्बा सूंघ के बता सकती हूँ कि इसके अंदर कौन सा खाना है। क्या है? कोई बहुत ज्यादा टेस्टी खाना लग रहा है। टेस्टी खाना? हाँ। हाँ। जैसे कि? जैसे कि क्या? जैसे कि खोल के देख लेते हैं ना क्या है। हाँ तो खोल लो फिर, क्या है देखते हैं ना जरा। के लिए सारे बच्चे हैं तैयार, तेरा खाना नहीं हूं मैं तो हम्प्टी शर्मा हूं मेरे यार। जोरदार तालियां हो जाए वरुण धवन के लिए। ये तो बहुत टेस्टी है, ऐसा खाना मैं कभी नहीं खाऊंगी दादा, मैं इसको सालों साल फ्रिज में रखूंगी बचा के। भारती एक मिनट, मेरे को कुछ बोलना है, पहले जजेस को विश कर लूं, ऑडियंस को विश कर लूं, इतने लोग इधर, तेरे को खाने की बड़ी है। तो यही रहेंगे ना, तो मैं अगर मर की भूखी तो मैं दादा से मिल लेता हूं ना पहले। क्या चाहिए तेरे को? खाना तुम। नहीं नहीं, मैं मेरे को कैसे खा सकती हूँ तू? अरे ये कुछ भी खा सकती है। हाँ ये हिप्पोपोटामस भी आ जाता है, उसका भी खाना खा जाती है। यही गर्म करके देता है मुझे। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं दादा ये क्या है, मैं अभी अभी आया हूँ शो पे, मुझे खाने की बात कर रही है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। क्या ये दादा, बोलो दादा कुछ बोलो इसको। भारती इसको इरिटेट मत कर। वरुण मेरा खाना खराब ना हो जाए, उससे पहले मैं खा लूं। भारती देख, मैं दादा के पास। भारती ऐसा मत करो,
भाई बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा हम नहीं करते। मेरा अभी अभी करियर स्टार्ट हुआ है, तू एंड मत कर ऐसे प्लीज भारती, ऐसे भारती। उतार ले, उतार ले, उतार ले। अरे आप तू ले जा, जो 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है, उसमें मैं हम्प्टी का किरदार निभा रहा हूँ। ना बचपन में ना मैं आपकी तरह था, तो लोगों ने मेरा नाम हम्प्टी रख दिया। हम्प्टी हम्प्टी डम्प्टी, आओ ना हम्प्टी डम्प्टी खेले। कैसा लगा आलिया के बाद ये भालिया आपको मिल रही है? आलिया भारती को मैं बहुत पसंद करता हूँ, भारती भी जानती है, हम लोग का काफी पहले से रिलेशनशिप है, मलाड़ में आके मैं उनसे मिलता भी था। क्या बात कर रहे हो? और हमारा 3 साल का एक बेटा भी है। तो हम आगे लिटिल मास्टर के लिए तैयार कर रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं सबके सामने? वो डेब्यू करेगा 3 साल के बाद हमारा बेटा, उसका नाम क्या है भारती? हम्प्टी डम्प्टी और छोटा सा चम्प्टी। अरे वरुण अभी भी तुम बहुत टेंशन में नजर, अरे इधर 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 वरुण, हाँ ये रहा मैं। हाँ वरुण, तो मैं देख रहा हूँ कि यार तुम बहुत टेंशन में नजर आ रहे हो जब से भारती के साथ जो हाल हुआ है तुम्हारा। तो भारती से बचने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रिक है, शायद उससे वो बच जाएगी। कुछ नहीं, ये आग है, ठीक है, ये आग को थोड़ा लगाना है। हाँ ये करते रहो, ये करते रहो, अगर समझो आग नहीं लगानी है, उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी है, तो फिर ये डंडे का काम हो जाएगा। क्या बोलते हो? आज फिर तुम पे प्यार आया है और बेशुमार आया है। वी लव यू जय, वी लव यू। गाने के बाद वेल आज ऐसे लग रहा है वरुण अपनी फिल्म नहीं मेरी फिल्म प्रमोट करने आ रहा है। एनीवेज चीज है, थैंक यू सो मच वरुण, दैट वाज रियली स्वीट। और आगे बढ़ते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फैंटेसी लैंड में आपको एक नन्ही परी से मिलना है। नन्ही परी से समझ गया, बुलाएंगे उन्हें जो वैसे तो है नन्ही परी पर डांस के मामले में बड़े बड़ों से बड़ी, अनुष्का छेत्री। पर उससे पहले भारती, अनुष्का के खेमे में कितनी हलचल मच रही है ये भी हमें बताइए। क्या बात है जय, इधर तो इतनी हलचल मची है, मैं क्या बताऊं, इतने फैन है, इतने बड़े बड़े फैन है, छोटे से पापा भी खड़े हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि अनुष्का का सबसे बड़ा फैन कौन है? अनुष्का का सबसे बड़ा फैन कौन है? मैं। तुम फैन हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे भी दांत नहीं है। और कौन फैन है? मैं। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे भी दांत नहीं है। इधर दिखाओ फिर कितने दांत हैं? इसका मतलब मैं अनुष्का की बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो पूरे दांत हैं। थैंक यू सो मच भारती। यहाँ बड़े बड़ों का सफलता का सफर तय करने में सालों साल लग जाते हैं। 8 साल की अनुष्का जर्रे से जेनिथ तक पहुंची 17 हफ्तों में। ये रही इनकी सफर की एक छोटी सी झलक। मेरा नाम है अनुष्का छेत्री, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, मैं 1 ईयर ओल्ड हूँ। अनुष्का हर एक मूव, हर एक ठुमका, हर एक एक्सप्रेशन बैंग ऑन था। अनुष्का तू तो क्या डायनामाइट फटाका फटाका, तू क्या है यार? I think you always stupendous, fantastic, fantastic. Mini Saroj Khan. Ayo. को देने लाई हूँ। मेरे से 2 बेटे हैं
अगर बेटी होगी तो आई होप एंड प्रे बिल्कुल अनुष्का जैसी हो। अंग्रेजी में बोलते बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, और वो आप हो। It was extraordinary, fantastic, and beautiful.
क्या बात है यार अनुष्का, माइंड ब्लोइंग। जरा नीचे बिठा देना फिर से। अरे बाप रे बाप, बेचारे को देखो कितना पसीना पसीना आ रहा है, जरा मैं साफ कर लेता हूँ। अरे बाप रे, यू नो यार, अहमद खान की बेटी जो है, मैं भी अपने आप को जरा साफ कर लेता हूँ। बड़ा एकदम पसीना पसीना आज हो रहा है यार मुझको। अच्छा मेरे पास ऐसे एक्चुअली पंखा भी है, पंखा जी है, ये लो ये पंखा भी मेरे पास आ जाए, ये देखो। और एक्चुअली तुमने आज इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है ना कि मन कर रहा है कि ना आपके लिए कुछ करूँ स्पेशल। ये देखो ये क्या हो गया यार। अरे वाह क्या यार, तुम्हारे यू नो ये परफॉर्मेंस ने तो पेपर को भी चूर चूर कर दिया। बट माइंड ब्लोइंग अनुष्का, डर नहीं लगा इतने सारी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करके? डर नहीं लगा मुझे। नहीं लगा? नहीं। अरे वाह, तो फिर चलो एक काम करते हैं, वहाँ जो तुम्हारी दुश्मन है वो बैठी है, यानी कि भारती की बात कर रहा हूँ, वो देखो तुम्हारी मम्मी के साथ, तुम्हारी फुल फैमिली के साथ। सो ओवर टू यू भारती। अनुष्का की मम्मी, वाह जी वाह, जैसा गले का हार वैसे डैडी की टोपी, अच्छी किया, क्या बात है। ये साड़ी वाड़ी एकदम जयप्रदा लग रही है। तो बेटी डांस आइकॉन बनने जा रही है, तो क्या मतलब क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और एक सेलिब्रिटी का मम्मी फील हो रहा है। क्या बात है, मुझे लगता है कि दार्जिलिंग अभी दो चीजों से फेमस होगा, एक तो चाय पत्ती और दूसरी मेरा अनुष्का छेत्री। तो एक बार जोरदार तालियां अनुष्का के लिए। मास्टर अहमद से पूछना चाहूंगा कि आपकी छोटी सी परी, छोटी सी बेटी आज इतने बड़े मुकाम पर है, आपको कैसा लग रहा है? वरुण आपको कैसी लगी बच्ची? सर ऑनेस्टली आने के पहले ही मैंने आपको बोल दिया था, इसके बारे में पूछा था, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था मुझे आई वॉज इन शॉक, आई टोल्ड यू ऑल बोथ, आई वॉज इन शॉक कि इतने उम्र में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एंड आई एम स्पीचलेस अनुष्का, आई मीन यू डोंट ओनली मेक देम बोथ प्राउड बट यू मेक द एंटायर कंट्री प्राउड। आई थिंक इंडिया शुड बी प्राउड दैट वी हैव समवन हू 7 इयर्स ओल्ड एंड कैन डू दिस ऑनेस्टली। क्या बात है, कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए। अब जय आज एक 7 साल की बच्ची ने जितनी मेहनत करी है, मैं चाहूंगा दिल से कि अनुष्का ये जीते, लेकिन टेरिया, हार्दिक और साध्विन भी मेरे बच्चे हैं। बट लीविंग एवरीथिंग असाइड, मेरे दो बेटे हैं जो यहीं बैठे हैं और मेरी कोई बेटी नहीं है। सो अनुष्का, ये शो के बाद चाहे तुम जीतो या ना जीतो, जीती तो भी तुम वापस चली जाओगी, राइट? और मेरी लाइफ से चली जाओगी, हाँ या ना? नहीं, नहीं, नहीं। एक प्रॉमिस करो सबके आगे कि भले तुम दार्जिलिंग चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, लाइफ लॉन्ग मुझसे टच में रहोगी। और उसी तरह जो तुमने मेरे बर्थडे में मुझे कार्ड दिया था, हर साल मुझे कार्ड भेजोगी। और हर साल अल्लाह करे आपके और दांत ना टूटे, लेकिन जब तुम एकदम बूढ़ी हो जाओगी, जब तुम्हारे दांत टूटोगे तो वो दांत भी तुम मुझे भेजोगी। श्योर? श्योर। पब्लिक सुन लिया आपने? फोन नंबर तो मैं आपको रोज फोन भी करूंगी। अरे मेरा बच्चा, अभी एक जोरदार पप्पी दे दो। लव यू अनुष्का। लव यू टीसर। क्या बात है? मैं जाते जाते अनुष्का को एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से देना चाहूंगा। सबका दिल जीता है एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। सो अनुष्का, अभी तक जितनी भी वोटिंग काउंट हो रही है, आपको पूरे वर्ल्ड ने दिए हैं 8 ओ, ये तो काउंटडाउन बढ़ते जा रहा है। अरे बाप रे बाप, 8
अनुष्का छेत्री के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ऑलराइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको हिला देने वाला एक मा ए हेलो ए सचिन, यहाँ क्या कर रहे हो? जय भैया. हाँ, आप मेरे सामने है ना, गर्दन झुका के बात मत किया करो. आप मेरे को गोदी में बिठा के फिर बात किया करो. क्या बात है यार, पैसों के लिए आजकल क्या क्या करना पड़ रहा है. गोद भराई भी हो गई मेरी तो. चीक चीक घूम पाया की करते है धमाल. लड़कियां भी बताती है उनके दिल का हाल. डांस में भी करते है कमाल. ग्रैंड मास्टर बता कौन है आपका फेवरेट? मसूर दाल. अरे क्या बात है छोटा, अरे हमारा मसूर दाल या नहीं मस्ता मुदस्सा. Okay team, follow my command. Get in position and wait for my go. तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ. अरे अपनी एंट्री पब्लिक से है बंटा. I'm going
आफ्टर पारी घर के अंदर घर है देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है मुझको बस जागना है सबको घर को डर को जिसको भागना है पब्लिक बुलाओ जिसको नाचना है नचाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ चलो ये करके दिखाओ यो यो हनी सिंगर क्या है कि मैंने वहाँ डांस किया और आप लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया अभी वक्त आ गया है कि आप लोग भी डांस करें हमारे साथ बनता है कि नहीं बस Thank you so much. क्या डांस किया आप लोगों ने मेरा मन कह रहा है कि मैं आप लोगों को कहूं that you are chick chick boom fire आपको पता है कि असली कलाकार कौन होता है जो मौसम के साथ नहीं बदलते नए लोग आते हैं पर वो कभी पुराने नहीं होते वैसे ही DID के कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स हैं जो सदाबहार हैं ऑलवेज रॉक स्टार्स हैं दुनिया इन पर मरती है और ये डांस से दिलों को घायल करते हैं सो लेडीज एंड जेंटलमैन गियर अप फॉर द यूजुअली पॉपुलर डांसिंग सुपरस्टार्स ऑफ DID घराना गुनगुनाने की वजह तुम हो
जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा हो सके तो take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe on you, chilling by the fire while we eat a fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to my 7 and 3. Rewind, set no time steady. Got a DM in my mouth. I swear we'll be bomb like a demon in my mouth. Change color hotel like a rain. Uh-oh.
क्या बात है, इसे कहते हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस। ज्यादा तालियां बजाएं डीआरडी फैमिली के लिए। क्या बात है ग्रैंड मास्टर, आप खुद यहां पर? आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह है हमारा डीआरडी परिवार जो 7 साल से चल रहा है और आशीर्वाद रहा तो ये और 7 साल और चलेगा। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और ये सब के लिए मेरी तरफ से ग्रैंड सलूट। अरे वाह, क्या बात है, क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है फुटबॉल को गिफ्ट रैप करके कोई भेजा यहाँ पर। तुम कुछ भी कह लो, आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। क्यों क्यों? एक मिनट, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी जी टीवी का, सब लोगों का, दादा का, कि आपने मेरे लिए इतने दूल्हे चुने हुए हैं। ये सारे अंदर तड़प रहे हैं मेरे से ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं वो चीज हूँ जो बहुत मुश्किल से मिलती है। श्याम, मैं तुम्हारी राधा बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तो अच्छी से मूछे भी नहीं आई, तो तुम थोड़ा इधर हो जाओ। प्रिंस, मुझे अपनी प्रिंसेस बना के ऐसे ही ड्रीमलैंड में ले चलो ना। मान गया, हट जा। धर्मेश, मुझे पता है धर्मेश तुम्हारी होने वाली ही नीचे बैठी हुई है, लेकिन अगर इस हाथी को अपना साथी बनाओगे ना तो ये धर्मवीर की जोड़ी हिट हो जाएगी। पसीने निकल आए लॉटरी। धीरज आ रही, तुम्हारे पास थोड़ा धीरज रखो, आप तो कपड़े भी शादी वाले पहन के आए हैं। देखो इतने बेकरार थे मुझसे शादी करने के लिए कि अंदर से शर्ट भी नहीं पहकर आए। एक सेकंड, ऐसे बात नहीं बनेगी यार। धर्मेश शर्मा के दिखाओ ना, जरा शर्मा के दिखाओ ना। मजा नहीं आया क्योंकि मेरा असली दूल्हा तो नीचे बैठा है। वरुण, हाँ। आ जाओ। देखिए तुम लोग जान नहीं पाए, ये जो औरत है ना, ये औरत नहीं है, मतलब औरत से बढ़ के है। तो मतलब स्टार्ट तो सबने सही किया था इसको इम्प्रेस करने, पर कहीं से उसको देख के थोड़ा डर गए लोग, तो इसके लिए थोड़ा हम्टी स्टाइल में मैं ट्राई करूंगा। डी फुटबॉल मैन आई कैन बोरो हैट। क्या बात है, आज फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड, ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता डंका क्राउड। लुधियाना से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ दी है, कहती तो है स्टूडेंट है, बता डाउन बढ़ाई डाउन। प्रज्ञा को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मे गॉड ब्लेस यू प्रज्ञा। आहा, क्या बात है यार। तो आप सभी लोगों को भी याद दिला दूं कि प्रज्ञा और अभी के महा रिसेप्शन में मचेगी आज ही की तरह जबरदस्त धूम। पूरा जी परिवार उस रात वहीं होगा, 24 जून रात 9 बजे आएगा जरूर। सुना सुना पूना के लोग फिर से आया प्रोफेसर नोनो और मोगैम्बो का बेटा जोगैम्बो। तानिया 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 तानिया। यो दादा, ढक्कन के तले ग्रैंड फिनाले अकेले अकेले।
बस कर नौटंकी, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहला पहला अवार्ड है, पहला अवार्ड है कुंभकर्ण अवार्ड। कुंभकर्ण अवार्ड? हाँ, ये अवार्ड उनके लिए मामूजान, जो डीआईडी के मंच को अपने घर का बिस्तर समझते हैं और शो के वक्त सो जाते हैं। कुंभकर्ण अवार्ड के नॉमिनीज हैं। वेलकम बैक टू लाइफ बॉय, डीआईडी लिटिल मासेस, पावर्ड बाय कैडबरी जैम्स। I'm sure कि आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे मास्टर्स क्या कहते हैं आपके परफॉर्मेंस के बारे में। मैं एक्चुअली उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि दादा का क्या कहना है। दादा, गुड मॉर्निंग दादा। इट्स नॉट ओके, इट्स ओके। सो के दादा गुड मॉर्निंग। स्कोर क्या हुआ? पुणे वालों, अपनी खर्राटेदार परफॉर्मेंस के लिए कुंभकर्ण अवार्ड नोनू जोगो अवार्ड जाता है दादा को। मामा भांजा है? अभी बताती हूँ तुम लोग को, बहुत हो गया तुम मामा भांजा का नाटक। भारती दीदी, नमस्ते नमस्ते, पाय लागू। क्या नमस्ते? हाँ, तुमसे सबकी इंसल्ट किए जा रहे हो। अरे पर तुमने कैसे देखा कि हम सबकी इंसल्ट कर रहे हैं? तुम्हारी आंखें तो अपने थाली से हटती नहीं है भारती दीदी। चुप कर, चुप कर। ए मामे इधर देख। आया ना हार्ट अटैक। चलो गया मामा। मामू जान की निकल गई जान। मामा, थैंक यू सो मच भारती, थैंक यू। वेल इट्स टाइम फॉर एक और धमाकेदार फाइनलिस्ट परफॉर्मेंस। अगली फाइनलिस्ट के बारे में यही कहूंगा कि नेपाल और इंडिया के बीच है बड़े से हिमालय की दूरियां, पर इन दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया है नेपाल से आए छोटी सी तेरिया ने। भारती, इससे पहले कि तेरिया परफॉर्म करे, मैं जानना चाहता हूं कि तेरिया के वो जो भीड़ जमी है वहां पर क्या हंगामा चल रहा है। ओवर टू यू। क्या बात है, ऐसे लग रहा है कि आज मैं अपनी फैमिली के पास पहुंच गई हूँ। सारे मेरी जीरोक्स कॉपी लग रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। एक 10 साल की लड़की दो देशों में हंगामा मचा दे, ऐसा पहली बार हुआ है डीआईडी के इतिहास में। ये सफर कैसे माइलस्टोन से भरता गया देखिए जरा। यू आर अ फैबुलस डांसर। आप बहुत आगे जाओगे डांसर। एक लड़की भी कभी गोविंदा की तरह एक्सप्रेशन दे सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा। तेरिया, टुडे यू वर ब्यूटीफुल। आप बड़ी बड़ी हीरोइनों को कॉम्प्लेक्स दे रही। मेरी आंखें आपसे नहीं हट रही थी। You guys were stupendous, fantastically, fantastically magical today. Papa, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज मेरे को जल्दी से जल्दी मिलने के लिए आ जाओ। चंदा की कटोरी है
तू है नूरी है राते सताए। ऐसा लगा एक स्टार थी आपके लिए स्पेशल। आपको देखने को जी चाहता है कि एक डांसर वो हो जिससे आंखें ना हटे। अब इनमें से धिक्कार
Now that was a super rocking performance. Come on, guys. Zorda taale ho jaye teriya magar ke liye. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि तेरिया ही जीतेगी गेम इथ वी कप? तो चलिए फिर, जैसे आपने कहा, अब जान लेते हैं कि क्या जनता ने आपको ढेर सारे वोट दिए कि नहीं. याद रखिए कि जो मैं वोटिंग अभी आपको बता रहा हूं, ये अब तक की काउंटिंग है. पूरी दुनिया ने आपको दिए हैं, हैव अ लुक. Are you happy? Yes. तेरिया, खड़ा होके बोलता हूं कि तेरिया, आपके लिए हिंदुस्तान से, बिहार से मंगल सिंह ने आपके लिए एक प्रेजेंट भेजा है. मंगल सिंह बिहार का आदमी है, उन्होंने आपके लिए भेजा है. क्या बात है तेरिया, देखते हैं यहाँ से दरवाजा शायद. हाँ ये रहा. ओके जरा खोल देना. अरे बाप रे बाप. तेरिया और किसी ने भेजा है नागपुर से, प्रशांत और संदीपा पारस्कर, तुम्हारे लिए भी और एक प्रेजेंट भेजा. एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ. गेम है, चलो ले लो. एक काम करो, आंखें बंद करो. हाँ आंखें बंद करो. ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ, ठीक है ना? तेरिया आंखें खोल दो. वेल, आप सबको बता दूं, ये है तेरिया के पिताजी. स्पेशली आए हैं तेरिया का ये परफॉर्मेंस और ग्रैंड फिनाले में हिस्सा बनने के लिए. जोरदार ताली हो जाए यार. दो साल से डैडी ने अभी तक तेरिया को देखा नहीं. आप मैडम जी, आप भी एक बार आइए स्टेज पर, आइए. मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं तेरिया को बहुत मिस किया था, बहुत मिस किया था. और तो मैं दो साल के बाद तेरिया से मिली हूँ, तो बहुत खुश लग रहा है. क्या बात है, एक बार तेरिया के पापा के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारा दिल रखा, यहाँ तक स्पेशली आप आए. कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए तेरिया एंड फैमिली. वेल, तेरिया को देखकर लगता है ना कि इट्स ऑल अबाउट वुमेन पावर. अगले शनिवार यानी 28 जून की रात 8 बजे से जी पर है शाही शनिवार, जहां ऐसे ही नारी शक्ति के जश्न जीत के कई महामिसाल मिलेंगे आपको, तो देखना मत भूलिएगा. तो क्या लगता है कि सदमे जीतेगा ये कॉम्पिटिशन या फिर अनुष्का या फिर तेरिया या फिर हार्दिक? बाप रे बाप. वेल वोटिंग की काउंटिंग चालू है और आपको ग्रैंड फिनाले पर एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट देने का हमारा कार्यक्रम भी. इसी सिलसिले में राइट नाउ देखिए आपके फेवरेट सीरियल के किरदारों को, जो स्पेशली आए हैं जयपुर से पुणे लिटिल मास्टर के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए. Shake your legs with और प्यार हो गया के usually popular Raj and Amne.
दादा देखा आपने, वैसा आपके इस किंगडम में इतना प्यार है, वैसा ही प्यार हमारी फैमिली में भी है। मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया है, बस अब तुम्हारे हाँ का इंतजार है। पुणे, आपको नहीं लगता अवनी को हाँ कह देना चाहिए? कह दो। मैं हाँ कहूंगी या ना, जानने के लिए देखते रहिए और प्यार हो गया सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर। थैंक यू पुणे। स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का।
ना करो बार पैर भी नहीं रखे कतो दी मैडम जी शहर बिच आई बस पार्टी दिया गल्ला कर दी रहंदी ए कुड़ी सैटरडे कर दी रहंदी ए कुड़ी सैटरडे कर दी रहंदी ए वरुण मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच किपर्स। फिर तो मैं कहना चाहूंगा कि हर वो इंसान जो डांस से प्रेम करता है हु लव्स डांसिंग ये मंच उसके लिए सब कुछ है क्योंकि इतने ग्रेट आर्टिस्ट यहाँ पे आके परफॉर्म किया है सो फॉर मी दिस इज लाइक हेवन बिकॉज़ ऑल द पीपल हैव परफॉर्म्ड देयर। क्या बात है यार। ओके सेकंड चीज ये है कि मैं तो अभी हीरो बना हूँ मैंने ये सब कर दिया लेकिन मेरा हीरो कौन है? आपका हीरो मैं गेस कर सकता हूँ? गेस करो आप। आपका हीरो कौन है? मेरा हीरो ग्रैंड मास्टर। कोई शक कोई नहीं वो मेरे ही नहीं आप सबके हीरो हैं हम सबके हीरो हैं। तो 11 जुलाई को मेरी शादी होने वाली है हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में। बिल्कुल। तो मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ सबको नहीं एक्चुअली 6 लकी विनर्स है जो यहाँ पे क्राउड में बैठे हैं उनके कुर्सी के नीचे दादा का तस्वीर है अगर वो तस्वीर आप पाओगे तो आप ऊपर आके दादा के साथ नाच सकते हो इधर तो देखो कुर्सी के नीचे एक ये रहा एक इनके पास कम, मिल गया आप तस्वीर देख के लेके आने आ जाइए हमारे पास दादा है पर हमारे पास दादा है दादा तो मैं लेके आऊंगा ऊपर जिन जिन के पास वो फोटो है आ जाइए हमको मैरी नहीं मांगता हमको लेली नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता तो कौन मांगता? एक जूली 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 तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है जूली जूली सॉरी कदम तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली तू ही तो मेरी जान है हमको टोनी नहीं मांगता हमको पीटर नहीं मांगता हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता तो कौन मांगता? जानी जानी जूली का दिल तुम पे आया जानू तुझको ही माना मैंने अपना हानी तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है यार एक बात तो पक्की है यार कि जब भी तुम आते हो ना लोगों को एंटरटेन करते हो हम सबको एंटरटेन करते हो यार तुम्हें तो हर जी शो में आना चाहिए सच्ची कह रहा हूँ। फिकर मत कर जय हाँ। मैं अगले हफ्ते भी आने वाला हूँ जी पे हाँ। क्योंकि अगले हफ्ते मैं तेरा हीरो का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है जी पे ऑन 29th of June at 7:30 PM। क्या बात है यार क्या बात है। और उसके अगले हफ्ते मैं सबके थिएटर्स में आने वाला हूँ 11 July फॉर हम्प्टी शर्मा की
Varun, thank you so much for coming. All the best for your film. And Zoda Tale Ho Jai, Varun Dhawan ke liye. Thank you guys. Love you all, honestly. And I'm waiting for the results now. Ah, sure. Thank you so much, Zoda Tale Ho Jai, Varun Dhawan ke liye. Well, DID family mein वैसे तो हर member special है, पर कोई है जो खुद लगाते हैं डुबकी, पर सब उनके प्यार में डूबे हुए हैं। Well, आगे बढ़ने से पहले मैं मास्टर गीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और उनके बारे में दो शब्द कहें। प्लीज जोदा ताला हो जाए मास्टर गीता के लिए। तो प्लीज दो शब्द हमारे उस खास इंसान के बारे में। अहमद रॉक्स, दो शब्द। आपने काफी प्रैक्टिकली ले लिया, चलिए छह शब्द बोल लीजिए उनके बारे में यार। मास्टर अहमद इज अ किलर डांसर, छह शब्द। आप ज्यादा ही कुछ भावुक हो रही हैं। एक काम कीजिए ना, एकदम दिल खोल के आप अभी झूठ बोल सकती हैं। आई मीन दिल खोल के उनकी तारीफ कर सकती है जो आप। मास्टर अहमद के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मास्टर अहमद के लिए ये शो उनकी फैमिली को कंप्लीट करने वाला शो है, क्योंकि इसी शो में उनको अनुष्का में अपनी बेटी मिली, मुझ में अपनी बहन मिली और भारती में अपनी माँ मिली। सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट इतना कहूँगी कि इज अ वेरी लविंग, वेरी वॉर्म एंड अ फैबुलस डांसर। लेट्स सी द मैन लाइव इन एक्शन। क्या बात है? हियर इज द मोस्ट टेरिफिक, द मोस्ट सक्सेसफुल, द मोस्ट लविंग and a fabulous dancer, my brother, Master Ahmed Khan. Come on guys, Zoda Tale Ho Jai, Master Ahmed Khan ke liye. Thank you.
छोड़ दो बच्चों, कम ऑन गाइस, जोरदार तालियां हो जाए अहमद खान के लिए। सर 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 एक सेकंड, सारे बच्चों एक साथ आ जाओ। यार मेरा बहुत, मेरी बहुत तमन्ना थी यू नो फर्स्ट एपिसोड से कि मैं कुछ करूं आपके साथ, और वो है वो आपका वो जो स्टाइल भुर रहा है एक साथ, तो सारे बच्चे भी करेंगे और सारी ऑडियंस एक साथ करेंगे। ऑलराइट, और अभी अहमद सर के साथ 1 2 3 ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच मास्टर अहमद, थैंक यू सो मच लिटिल मास्टर, जोरदार ताली हो जाए। कि डीआईडी का मंच है तो कंपटीशन है, कंपटीशन है तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन है तो वाइल्ड कार्ड है तो रीएंट्री है, रीएंट्री है तो ग्रैंड फिनाले तक आने का दम है। सलाम टू द स्पिरिट ऑफ हार्दिक। मैं तो कहूंगा कि जो पानी में आग लगा दे ये वो लाइटर है, इतनी सी उम्र में एक सुपर फाइटर है। वैसे भारती बताइए कि गुजरात खेमा में क्या चल रहा है? क्या बात है, कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है रामलीला की लीला इधर खड़ी है और राम उधर खड़े हैं। माहौल क्या सही बना हुआ है बॉस, ओवर टू चे, थैंक यू सो मच भारती। वैसे बड़े से बड़े लोग जिंदगी में एक दो बार गिरकर मैदान छोड़ देते हैं, पर जो नहीं छोड़ते वही हीरो बनते हैं, वही हार्दिक कहलाते हैं। देखिए इस नन्हे से लड़के की बड़ी सी इंस्पिरेशन की कहानी। मेरा नाम है हार्दिक। हार्दिक थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग द ऑडिशन, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो हमें इतना बेहतरीन परफॉर्मर नहीं मिलता आज। स्टूपेंडो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मैजिकल डांसर हो, एलिमिनेटर हो तुम, एलिमिनेट करके यहां तक पहुंचे हो। आपकी जो एक शुरुआत हुई थी जर्नी और बीच में थोड़ी सी डगमगा गई थी, आज वो जर्नी फिर से शुरू हो गई। क्या परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशंस, अदाएं, भाई बनता है भाई, क्या बात, क्या बात। आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल दिस फ्रॉम माय साइड मैन।
बताइए कि क्या आपने हार्दिक को वोट किया? क्या वो केबीसी कप जीतेगा? हार्दिक हार्दिक कह रहे हैं, उनकी टेंशन थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि अब तक के वोटिंग काउंट्स के अनुसार हार्दिक को कितने वोट्स मिले हैं। देखिए कैसे एकदम मुरझा गए हैं बेचारे, सबके सब टेंशन में। तो चलिए हार्दिक, लेट्स सी कि जनता ने आपको अब तक कितने वोट्स दिए हैं। लेट्स सी। वोट्स। वेल हार्दिक, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डिंपल से पूछना चाहूंगी कि डिंपल, ग्रैंड फिनाले के मौके पे आपको जय की परफॉर्मेंस कैसी लगी? ओ, हार्दिक की परफॉर्मेंस कैसी लगी? हार्दिक की परफॉर्मेंस मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। सच? अच्छा ये बात बताइए डिंपल कि आपने हार्दिक के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, तो क्या आज आपको सबका फल मिलेगा? मैंने हार्दिक के लिए जो भी कुछ किया, मेरे इमोशंस थे, और आज मुझे उन सबका फल पक्का मिलेगा। मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगी आज यहाँ से। क्या बात है, थैंक यू सो मच हार्दिक, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अब जनता ने क्या फैसला लिया है ये तो हमें भी नहीं पता है। ये आपको फिर से बता दूं कि काउंटिंग अभी भी जारी है, ये फाइनल वोटिंग्स नहीं है। आपको ढेर सारे वोट्स मिले हैं और काउंटिंग हो रही है। अब कुछ ही देर में हम फैसला लेंगे कि कौन होगा डीआईडी लिल मास्टर सीजन 3 का विनर। वोट्स तो करोड़ों में आए हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली आप ही को मिले। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। ज़ोरदार तालियां हो जाए हार्दिक के लिए। थैंक यू। वेल डीआईडी लिल मास्टर सीजन 1 विनर जीतू मोने, सीजन 2 विनर फैजल, सीजन 3 पर किसका नाम लिखा है? हार्दिक, अनुष्का, तेरिया या फिर सदवेन? Well, welcome back to Life Boy DID. Little Master is powered by Cadbury Gems Grand Finale, straight from the heart and live from Pune.
और साथ ही थैंक यू करेंगे हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर सयाजी ग्रुप ऑफ होटल्स, हमारे वोटिंग पार्टनर FreeCharge.com, द फास्टेस्ट रिचार्ज एक्सपीरियंस अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड ऐप, जिनकी वजह से इस शो की शाम में चार चांद लग गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कि आप सब बजाए हमारी ऑडियंस के लिए, और आज यहां पर जितने भी ऑडियंस आई है आप अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाए यार, कम ऑन गाइस, क्या बात है, सब तालियां बजी है ना। ये तुम्हारे मन में कभी होता नहीं कि तुम्हारे लिए भी इतनी तालियां बजे? नहीं, ऐसी वाली तालियां नहीं, ऐसी वाली तालियां चलेगी मुझको। लेकिन एक बात बोलूं, हाँ, तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा कौन? क्यों, क्यों का कुछ तालियों वाला काम तो करो कि तालियां बजे। ऐसे थोड़ी नौ सीजन खत्म किया हो यार दादा, क्या बोलते हो, है कि नहीं? एक बात बताओ भाती, तू इतनी गाली देती रहती है जय को, जय जैसा अच्छा कोई नहीं है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो जाके फैन से पूछ, बता देंगे उसके कितने फैंस है। हाँ भाई, अभी 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 इज्जत की बात है भाई लोग, कौन कौन मेरे फैंस है हाथ ऊपर करो। ये एक मिनट, थैंक यू सो मच, देखती हूँ इसके फैन कौन है पागल लोग। अभी के अभी जय का जय और दाढ़ी की दाढ़ी अलग देखना अभी। क्या हेलो, क्या करना क्या चाहती हो? हेलो, किधर भी जय के फैन किधर से? आप बड़ा ऐसे से कर रही थी, आप जय की फैन है? अच्छा, माइक भी घर से लेकर आई है? आप सच में नॉर्मल है ना, आपको जय पसंद है? बहुत 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 ज्यादा, देख रही हो, थैंक यू सो मच। लाओ जरा, ये लड़की मुझे पागल लग रही है, इसको पागलपन का दौरा पड़ा है। ए भाई, अपनी साइज का इंजेक्शन मत मार। अरे यार, अब ठीक हो? नहीं। अब कौन पसंद है आपको? जय। चले मोटी, ए हाथ नहीं लगाना पहले। अरे I'm really sorry. ओए होए, आप जय की फैन है? देखो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई लव यू। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है आपकी आंखें देख के, ऐसा लगता है मैं उसमें डूब जाऊं। सुन रही हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा, इनको मार मार के बाहर निकालिए। जय की फैन और कौन है? जय और कौन है भाई? और जय की फैन कौन है? क्या बात है अंकल, प्लीज चाकू मत निकालिए। अंकल प्लीज चाकू मत निकालिए। डिंपल, तुम जैकी फैन हो? मैं जैकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मुझे जैकी आंखें पसंद है, जैकी स्माइल पसंद है, जैकी डिंपल्स पसंद है, उसकी पर्सनालिटी पसंद है। मुझे जय बहुत 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 ज्यादा पसंद है, और DRD के जितने भी सीजन थे मैंने सिर्फ आपके लिए दिखा है। यू आर दी बेस्ट। थैंक यू सो मच डिंपल, तुम ठीक कह रही हो। जय इधर आओ, ये बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बात सुनो। थैंक यू दादा। और मैं आज दिल से, सचमुच दिल से, एक मिनट पकड़ना, ये क्या है दादा, क्या लिखा है? बेस्ट एंकर। अरे वाह, जय मिस इंडिया बन गया। क्या बात है, थैंक यू। और so ये कितना अच्छा एंकर है, अभी अभी मैं आप लोगों को साबित कर देता हूं, देखिए। चलो रेडी, रोलिंग एंड एक्शन। आप सब अपने अपने घर में बैठकर मेरी तरह दादा को मिस करेंगे। तब तक आप सब अपने घर में बैठे बैठे हमारे ग्रैंड मास्टर को और ओमी ओमकार, सॉरी यार राहुल पर तो अब आ रहे हैं ऋषि नीतू के, तो अब आ रहे हैं ऋषि, जय ध्रुव हो क्या गया, तो अब आ रहे हैं ऋषि न्यूट, चल आगे चल यार, खूब छान खेले, नहीं खेले, खूब छान खेले, आगे बढ़ा रे। अरे काउंटर आगे बढ़ा। होप करते हैं कि आज ट्रायल जोन में भी कुछ ऐसे ही चक्कर क्वीन
जुपिटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम जैसे गधों के लिए नहीं है। क्या वो नाचे? इससे बुरा नहीं हो सकता। सुभाष भाई की आने वाली फिल्म कांची के स्टार्स को गलत बोला। 5 साल से एक ही शो में ये एंकरिंग सीख रहा है। ए भाई वर्ड ही चेंज कर, दूसरा कुछ ला, चेंज द लाइन। माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, सुपर्ब। थैंक यू जय, थैंक यू। क्या हुआ, गुस्सा क्यों? क्या हुआ क्या दादा? अरे गलती सबसे होती है यार। सही कह रहे हो यार, छोड़ो ऐसे बदनामी करने के बाद। हाथ मिलाओ हाथ से, जान दो ऐसे क्या, यू नो बड़ी सभा में। अच्छा, हाथ नहीं मिलाएगा तो फिर और एक कट दिखाओ। नहीं ला, कैसे दादा? हाँ क्या ये, क्या ये क्या है? हाँ यही है बंदा। प्रोड्यूसर साहब कहाँ गए जो आपकी 3-3 शिफ्ट करवाता है? 28 टेक। छोड़ रे, मैं उस औरत से बात ही नहीं करना चाहता जो खुद का घुटना भी नहीं देख सके भाई, छोड़ो। क्या लगा? बोलो जान। What is this? क्या लड़ रहे हो तुम लोग? मैं इसको बोल रहा हूँ, समझ नहीं आया ये औरत यार। ग्रो अप यार, अगर इतनी हिम्मत है तो हो जाए मैदान DID में, हो जाए फिर दोनों के बीच चला मुकाबला। Whoa!
अरे बाप रे बाप। Well, अभी अभी आपने जो स्टंट देखा वो सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपकी भी हालत मेरी तरह ही हो सकती है, हड्डी पसली एक हो सकती है। तो जब तक मैं अपनी हड्डी पसली एक करता हूँ, आप लीजिए ना एक छोटा सा ब्रेक, ओनली ऑन लाइफ बॉय डीआईडी लिटिल मास्टर्स पावर्ड बाय कैडबरी चाइल्ड्स। और अब मैं द फैंटास्टिक फोर फाइनलिस्ट चारों को एक आखिरी बार डांस के लिए देश के सबसे बड़े डांसिंग स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, द मदर ऑफ ऑल परफॉर्मेंसेस के लिए। जी हाँ, फाइनल रिजल्ट से पहले, डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 3 के विजेता की घोषणा से पहले, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस एवर बाय हार्दिक, अनुष्का, डेरिया एंड सदवाइन, लास्ट टाइम ओनली फॉर यू गाइस।
performance. What a performance. All right then, ladies and gentlemen. अब मैं उन चार लोगों को बुलाना चाहूंगा जिनकी बदौलत ये चार लिटिल मास्टर्स यहां ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनके स्किपर्स प्लीज मंच पर आ जाए. जोरदार ताली हो जाए इनके स्किपर्स के लिए. बहुत सारे ऑडियंस यहां पर हैं जो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और हमारे पास लाइव रिपोर्ट्स हैं. यस, लाइव रिपोर्ट्स है डिफरेंट शहरों से कि एट प्रेजेंट उनके मन में क्या चल रहा है. तो मैं चाहूंगा कि वो लाइव रिपोर्ट प्लीज पेश किया जाए. चलिए देखते हैं अभी हम कोलकाता में हैं. क्या कहते हैं अनुष्का के जो फैन फॉलोइंग है वो सब क्या कहना चाहेंगे? She is an excellent dancer and Kolkata is cheering for her. She will definitely win the show. First of all, Anushka to mera hamara gaurav hai because DIT ke jaisa itna bada dance reality show mein wo perform karte hai jo only Bengal se belong karte hai. Unke andar dance jo hai dance khut khut ke bhara hua hai aur main chahta hu dua hai dua karta hu wo jeet jaye. Vote for Anushka. Vote for Anushka. Vote for Anushka. Tiara मुंबई का जोश अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ. यहाँ पर मुंबई के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं. आप लोग डीआईडी देखते हैं? इस बार डीआईडी में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हार्दिक इज द बेस्ट डांसर ऑफ द डीआईडी. बहुत सारे डांसर्स होते हैं उसमें से एक है. आप लोग वोट कर रहे हो उनके लिए? बैंगलोर का नाम आपको रोशन करना ही पड़ेगा. आप फाइनल जीत के आ जाओ. Cheers. I wish Satvik very good luck for his finals in Dancing Your Dance. We hope that he will win in this competition. Satvik, all the best. On behalf of Bangalore, we wish Sadwin good luck for Dancing Your Dance. मैं हूं इस वक्त दिल्ली में जहां पर हर कोई बात कर रहा है सिर्फ एक कंटेस्टेंट की और वो कंटेस्टेंट है तेरिया. मैं तेरिया को सपोर्ट करना चाहती हूं. उनके स्टेप्स इतने क्लीन एकदम प्योर आते हैं. नेपाल के रहने वाले लेकिन हम लोग दिल्ली वाले चाहते हैं कि वही जीते क्योंकि उसका डांस इतना अच्छा लगता है और इसका मतलब उसका जितना वाट कीजिए बड़ाई उस तरह कम है. मैं नेपाल से हूँ तो मैं तेरिया को. शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड शी डांस वेरी वेल. And I like her. She is very beautiful. तेरिया जिस तरह से डांस करती है उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कोई और जीत सकता है. उसके अंदर वो टैलेंट है जो एक डीआईडी लिल मास्टर के विजेता में होना चाहिए. All the best, Teria. 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 All right then. Well, लोगों के दिलों में तो बहुत टेंशन चल रही है. कोई कह रहा है सदवेन, कोई कह रहा है तेरिया, कोई कह रहा है अनुष्का, कोई कह रहा है हार्दिक. सो इंडिया, वक्त आ गया है. अब हमें पता चल जाएगा कि कौन है इस सीजन का विनर, कौन जीतेगा वो KB3 कप और बनेगा मास्टर ब्लास्टर. तो सबसे पहले वो फाइनलिस्ट जो चौथे नंबर पर है वो है अनुष्का. कितनी क्यूट लगती हो यार तुम, कितनी क्यूट हो यार तुम यार. आई स्वेयर. तो चलिए फिर तेरिया, हम आप चारों को बताएंगे कि आखिर जनता का आखिरी फैसला क्या है. लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ओनली ऑन लाइव बॉय डीआईडी लिटिल मास्टर्स पावर्ड बाय कैडबी जेम्स ग्रैंड फिनाले. डांस एक ऐसी कला है जिसकी कोई भाषा नहीं होती, जिसको कोई सरहद नहीं लगती. डांस के माध्यम से ही तो हम और आप और ये डीआईडी का परिवार आपसे एक अटूट रिश्ते में जुड़ गया है. तेरिया की मम्मी हो या फिर अनुष्का की, आज इनकी बेटी को डांस करते हुए देख इन्हें कितना गर्व महसूस हो रहा है. इमोशंस सरहदें नहीं देखती. डांस के जैसे ही
एक भव्य की भाषा है जो लोगों को जोड़ती है, जिंदगी। जी हाँ, जी के परिवारों से द फर्स्ट एवर हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल जो जोड़ेगा दिलों को अपनी रोमांचक स्टोरी से। सरहद पार की कहानियाँ, लाहौर हो या लखनऊ, हमेशा वेश परवेश भले ही अलग हो, हमारी कहानियाँ एक है। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी 23 जून रात 8 बजे से शुरू हो रहा है। मार्च 2014 से शुरू हुआ ये सफर आज 21 जून को फाइनली खत्म हो रहा है। इस सफर ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, सपनों को बिखरते देखा, उम्मीदों को सवारते और निखारते देखा, 4 आम बच्चों को आसमान छूते हुए देखा, और मैं हमारे हर दिल अजीज दादा यानी स्टिल द जेन्युइन लव ऑफ मिलियन इंडियंस के स्टार से कहना चाहूंगा कि कुछ शब्द कहे हमारे लिटिल मास्टर्स को, क्योंकि अब कुछ ही पल में हम फैसला लेने वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सफर ऐसा ही नहीं था, आसान नहीं था। जो भी इधर हो, सभी विनर्स हो, इस KV3 मतलब क्या बात KV3 कप के हकदार भी हो, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज छोटी सी कहूंगा, ये चारों बच्चे, मैं हमेशा कहता आया हूँ, आप लोग ना यहाँ नहीं, आप लोग यहाँ रहते हो हमारे यहाँ, और यहाँ वो ही रहता है जो आपके अजीज होता है, मतलब आप चारों मेरे लिए तो विनर हो। जीतू, मैं कहूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये प्यार नहीं कर रहे होते आपसे तो ये यहाँ पे नहीं होते, सो इफ दे लव यू मे द बेस्ट डांसर विन, क्योंकि ये प्यार करते हैं बेस्ट डांसर से। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से कोई एक ही जीतेगा ये शानदार ग्रैंड मास्टर्स KV3 कप। जोरदार ताला हो जाए। वेल, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया भर के लोगों ने आप सबके लिए वोटिंग की है। इनफैक्ट ट्विटर पे तो जैसे मैसेजेस का सैलाब आ गया है। मैं चाहूंगा कि फैसला लेने से पहले एक बार जोरदार ताला हो जाए हमारे चारों फाइनलिस्ट के लिए। सो पुणे एंड इंडिया, आर यू रेडी? लिटिल मास्टर्स, आर यू रेडी? और अब मैं इस फैंटेसी लैंड की जन्नत परी को कहना चाहूंगा कि वो क्रिस्टल बॉल पेश करें। वेल, रिजल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। जन्नत परी आखिर में लेकर ही आ गई है। फाइनल वोटिंग की आखिर जनता ने आपको विनर बनाया है या नहीं? द वर्ल्ड हैज वोटेड, और वोटों की संख्या है और रिकॉर्ड, करोड़ों से भी ज्यादा वोट्स आए हैं। इस लिफाफे में बंद है हमारे फोर्थ फाइनलिस्ट का नाम। तो जनता ने ढेर सारे वोट्स देकर जिसे बनाया है फोर्थ फाइनलिस्ट, यानी कि थर्ड रनर अप, वो है हार्दिक। कांग्रेचुलेशंस हार्दिक। हार्दिक, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने अब तक बहुत अच्छा किया है, और यहां तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताला हो जाए हार्दिक के लिए। अब बचे हैं अनुष्का, टेरिया एंड सदवेन। जनता ने जिसे ढेर सारे वोट देकर बनाया है सेकेंड रनर अप ऑफ DID लिटिल मास्टर Season 3, उस लिटिल मास्टर का नाम है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेल, ये है हमारे
हमारे तीन फाइनलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे आप इन्हें? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस कि जितने भी बच्चे यहाँ है, जो स्टेज पे है, जो वहां बैठे है, जो ऑडियंस में है, फॉर मी ऑल ऑफ देम आर विनर्स एंड दे ऑलवेज विल बी। और जो डांस का लेवल है, आप हमारे देश में सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। एंड आई कैन से टुडे दैट जो इंडियन डांसर्स है, इफ यू कंपेयर देम विद एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, वी इंडियन डांसर्स डेफिनेटली रॉक। थैंक यू सो मच वरुण। तो अब बारी है फैसले की। जनता के फैसले के मुताबिक डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 3 का सेकेंड रनर अप है, एनी गेसेस? सद्विन। वरुण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे सेकंड रनर अप सद्विन को ये 2 लाख रुपए का चेक प्रेजेंट करें फ्रॉम जी टीवी। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन गाइस, सद्विन के लिए। और अब बचे हैं 2, अनुष्का या फिर तेरिया, किसकी जीत होगी? कौन जीतेगा द ग्रैंड मास्टर्स केबिट वीक कप? और बनेगा मास्टर ब्लास्टर? क्या लगता है पुणे, कौन जीतेगा? तेरिया या अनुष्का? बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, तो देखते हैं कि क्या हिमालय के इस पार जीतता है या फिर हिमालय के उस पार कोई जीतता है। सो इंडिया, आर यू गाइस रेडी? डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 3 2014 का मास्टर ब्लास्टर है, मास्टर ब्लास्टर है। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रैंड मास्टर्स केबी 3 कप तेरिया को दे। जोरदार ताली हो जाए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रैंड मास्टर प्लीज हमारी फर्स्ट रनर अप को ये 3 लाख रुपए का चेक अमाउंट पेश किया जाए। कम ऑन गाइस, के इस सफर में हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। सच्चे हुनर को बढ़ावा देने के लिए शुक्रिया। वेल, अगले सीजन में मिलेंगे, मैं आपको मिलूंगा नजदीकी सिनेमा घरों में। तब तक आप अचार डाल रहे हो, सर पर तेल लगा रहे हो या फिर मजे कर रहे हो, इंडिया कीप डांसिंग।